उत्तराखंड से है। मंगलौर में डग्गामार वाहन सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में राज्यों की सीमाएं पार कर सैकड़ों वाहन यहां पहुंच रहे हैं, जिनके पास टैक्स, फिटनेस और इंश्योरेंस होते ही नहीं है। ऐसे ये डग्गामार वाहन लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से रुड़की रोड पर परिवहन विभाग के कार्यालय के सामने रोजाना सैकड़ों डग्गा बाहर वाहन गुजरते हैं, लेकिन फिर भी संबंधित विभाग चुपचाप नजर बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, इसी रोड पर बड़ी संख्या में चल रही मैजिक भी अधिक संख्या में सवारियों को ढो रही है। माना जा रहा है कि वाहन सरकार को लाखों रुपए राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। सड़क पर बने अवैध स्टैंड भी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। डग्गामार वाहन ही नहीं बल्कि रोडवेज की बसें भी सड़क पर खड़ी रहती है। सड़क पर खड़े ये वाहन सड़क पर चलने वाले यातायात के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। इनका समय समय पर हम अभियान चलाकर कार्रवाई करते हैं। लास्ट मंथ भी हमने 2-3 बसों को भी बंद किया था, परमिट वगैरह चेक किए थे, लेकिन उनके पास ऑल इंडिया परमिट ना होकर उनके पास स्पेशल परमिट होता है, जिस पे वो पर डे का टैक्स या 2-3 दिन का टैक्स जैसे भी हो वो कटवा के ही चलती है। लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो हम आने वाले समय में उनकी चेकिंग का कोई अभियान चलाएंगे और फिर उस पर चेकिंग की कार्रवाई करके उस पर परिवर्तन कार्रवाई की जाएगी। और यदि कमी हुई